उज़बी शैतवानरजी बसम अलैक्म स्टूडेंट्स एस एस टी लेक्चर नंबर एट अपनी बुक का आप लोग पेज नंबर एट निकाल लीजिए ठीक है हमने चैप्टर पूरा किया है उसके क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लिए हैं आज हम उसके जो है एम सी की करेंगे और उसके ट्रू फॉल्स करेंगे ठीक है अच्छा जी चैप्टर हमारा किस बारे में था याद होगा आपको फिज़िकल रीजनस के बारे में था ठीक है अब हम जरा इसको देखते हैं क्या लिखा है पाकिस्तान इज़ डिवाइडेड इन टू डैश डोमिनेंट फिज़िकल रीजन्स पाकिस्तान कितने फिज़िकल रीजन्स में डिवाइड किया गया है पाकिस्तान को याद करें फ़ोर फाइव सिक्स यस फाइव में पाँच जो है फिज़िकल रीजन में द पोटोहार हार प्लेचू इज़ स्प्रेड बिटवीन द रिवर डैश एंड रिवर इंडस किस किस के बीच में फोटो वाला जो रीजन है वो फोटोहार प्लेचू जो है वो डिवाइड हुआ है जहलम रावी चनाब जी जहलम कौन सा है ये जहलम ठीक है ये फर्स्ट वाला जहलम मिनरल्स लाइक ऑयल गैस एंड सॉल्ट आर फाउंड इन थर्ड डेजर्ट इंडस्प्लेन फोटोहार प्लेचू मैंने आपको कहा था के जो मिनरल्स होते हैं वो प्लेच्यूज़ में होते हैं तो डेफिनेटली इसका आंसर होगा पोटोहार प्लेच्यू नेक्स्ट है द थर डेजर्ट्स लाइज टू द डैश ऑफ सिंध ईस्ट वेस्ट साउथ जी ईस्ट में वाक़ है थर डेजर्ट सिंध के ईस्ट में ठीक है अच्छा डैश इज़ पाकिस्तान लार्जेस्ट एंड बिजिएस्ट सी पोर्ट हमने सी पोर्ट्स के बारे में पढ़ा था मुझे गवादर मकरान कराची में सबसे बिजीएस्ट और सबसे बड़ा कौन सा है जी कराची का ठीक है तो ये आपने अपनी बुक में इसी तरह सॉल्व कर लेना है राइट टी फॉर अ ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर अ फॉल्स स्टेटमेंट नांगा पर्वत इज़ एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एलेवन मीटर्स हाई नांगा पर्वत जो है वो एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एलेवन मीटर हाई है नो no, ये फॉल्स है ठीक है कितना हाई है नांगा पर्वत ये देखें आप पीछे अपनी बुक में जाएंगे तो ये सारी चीज़ें लिखी हैं ये देखें नांगा पर्वत विच इज़ एट थाउजेंड वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी सिक्स मीटर्स हाई ठीक है तो वो इतना हाई है इतना ऊंचा है तो इसलिए ये फॉल्स होगा इसके आगे आप इधर ब्लॉक में एफ़ लिख दीजिए द एरिया विच रिसीव लेस दैन टेन इंचज टू फिफ्टी फोर एम एम ऑफ रेन इज़ नोन एज अ डेजर्ट जी सब कम बारिश किस एरिया में होती है डेजर्ट में तो ये ट्रू है क्या है ट्रू है इसको आप टी लिख लीजिएगा खेवड़ा साल्ट माइन्स आर लोकेटेड इन बलोचिस्तान प्लेजू खेवड़ा साल्ट माइन जो है वो कहाँ पर वाक़ है बलोचिस्तान प्लेजू में वाक़ है नो no, पोटोहार प्लेचो में तो यहाँ पर आप लिखेंगे फॉल्स द थर्ड डेजर्ट इज़ लॉन्गेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान मैंने तीन डेजर्ट्स के आपको बताया था थल थर और चोलिस्तान ठीक है तो थर्ड डेजर्ट जो है वो सबसे बड़ा है और मैंने आपको ये भी कहा था कि ये इसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है द कोस्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान इज़ टू थाउजेंड किलोमीटर लॉन्ग क्या ये ठीक है नो दैट्स नॉट ट्रू इट्स थाउजेंड किलोमीटर ठीक है तो ये फॉल्स है ये आपने इसी तरह से सॉल्व कर लेने चले जी आज के लिए इतना काफ़ी है इन बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ठीक है अल्लाह हाफिज़